स्टार्ट हो गया है और उनको लार्ज इलेक्ट्रल नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा, तो वो जो इलेक्ट्रल रोल बनेगा आज उसका गैदर नोटिफिकेशन हो गया है, जिससे ये नॉमिनेशन प्रोसेस आगे शुरू हो जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन आप लोगों के और नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैदर नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आज हो गया है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 17 अगस्त, डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 18 अगस्त, 21 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होगा, डेट ऑफ पोल है 5 सितंबर और काउंटिंग होगा 8 सितंबर को, और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 10 सितंबर तक शेष कर दिया जाएगा। उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट अनाउंसमेंट यानी दो दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, इट हैज कम इनटू फोर्स। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी, तो ये बाई इलेक्शन है जो दो कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सिफाई जिला डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूंसी। जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है जिस भी कंस्टिट्यूंसी में होता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो इवन दो वहाँ पे आप दो में ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, उसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा, पूरे जिला पे लगेगा। तो उस हिसाब से जो बाकी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी ऑलरेडी असेसमेंट करके भेज दिया गया रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन को, वो आएंगी। इलेक्शन में हमेशा कई राउंड का सिक्योरिटी वो रहता है सेटअप, ये पुलिस का रहता है, वहाँ से जो प्रोसेस उनका भी रहता है, तो वो ऑलरेडी भेजा गया, तो वो आएंगी। और जब आएंगी तो नॉर्मली जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, एरिया डोमिनेशन के लिए उनको यूज किया जाएगा, जहाँ से किसी भी टाइप का कोई अगर कंप्लेंट आता है तो उसमें वो वहाँ जाके लोगों के बीच शांति व्यवस्था बनाने में हेल्प करते हैं। अगेन इफ देर आर सच इंसिडेंट्स गेटिंग रिपोर्टेड और एनी लार्ज कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ एनी पीपल ऑफ पर्टिकुलर एरिया विच आर लाइक टू बी क्रिएट एनी प्रॉब्लम, देन दैट इंटीमेशन हैज टू बी गिवन इन एडवांस सो दैट एक्शन टू बी टेकन। एज अबाउट द पोलिंग डेट, एज आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टोल्ड, उस समय तो आपका 48 आवर्स का रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो वो अगर आप इन्फॉर्मेशन पहले दे देंगे तो ऑन द डेट ऑफ पोलिंग ये इशू नहीं आएगा। आप पोलिंग डे में अगर आप बोले कि ये लोग हैं, तो ये इंटीमेशन 48 आवर्स कंप्लीट होने के जस्ट बाद अगर आपको पता है कि कोई लोग हैं जिनको इस कंस्टिट्यूंसी में नहीं रहना है एज पर रूल, तो उसको आप टाइम इंटीमेशन दे ताकि स्टेप्स लिया जाए कि इलेक्शन प्रोसेस या पोलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही उसको वापस भेजा जाए।